बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाओ न्यू अपडेट टीवी में। प्यारे से दोस्तों, अबू धाबी के हवाले से बहुत बुरी खबर है, आप लोगों तक पहुँचाना लाजमी है। जितने भी मेरे भाई अबू धाबी में रहते हैं या काम करते हैं, तो ये वीडियो वो कम्प्लीट देखें, ताकि आप लोग इस जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, आप लोगों ने ये काम नहीं करना और एक बड़े जुर्माने से बचना है। कैसे बचना है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं अपने दोस्तों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी दबा लेना है, ताकि मज़ीद वीडियो जब भी हम सेंड करें उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपके कंप्यूटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो या लैपटॉप कर रहे हो या मोबाइल कर रहे हो, तो उस तक पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को बताता चलो, अबू धाबी के हवाले से सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर 1536 बंदों को, कितने 1536 बंदों को उन लोगों ने जुर्माने किए हैं, 5,000 दिरहम के जुर्माने किए हैं। जिन लोगों ने भी SOP पे अमल नहीं किया, जो मास्क वगैरह जिन लोगों ने उतारे हुए थे, हाथ में पकड़े हुए थे, घर के सामने खड़े हुए थे या काम कर रहे थे या रोड पे जा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने मास्क या ग्लव्स नहीं पहने, उनको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर इतने जुर्माने किए गए हैं और इतने बंदों को किए गए हैं। ये मैं इसलिए आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग अबू धाबी में रहते हो तो मेहरबानी करके प्लीज़ आप लोग ये काम नहीं करिएगा, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अबू धाबी वो वाहद हुकूमत है, वो वाहद रियासत है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना पे ये अमल दरामद करवा रही है, और वो कह रहे हैं कि जितना भी हो सके हमने इससे जल्द से जल्द निजात हासिल करनी है ये कोरोना जैसी वबा से। अल्लाह पाक सबको अपने हाफ़िज़ो ईमान में रखे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।